हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो लेके आया हूं जीएसटीआर 3B से जुड़ा हुआ है हमारा वीडियो। जी हां, जो लोग जीएसटीआर 3B भर रहे हैं, जिन लोगों से जीएसटीआर 3B भरते समय जो जो गलतियां हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको किस तरह से सुधार सकते हैं, इसी के बारे में हम आज अपना वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। जिससे कि आपको GSTR 3B में किसी भी तरह की कोई गलती की गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। हम आपको उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, GSTR 3B को हम रिवाइज नहीं कर सकते। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप GST 3B की रिटर्न्स भर रहे हैं तो केयरफुली भरें और बहुत ही अच्छे से अपने डाटा को विश्लेषण करने के बाद ही अपनी GSTR 3B को तैयार करें। दोस्तों, अगर इसके बावजूद भी गलती हो जाती है तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया 7 जुलाई 2017 को, जिसके अंतर्गत उसने कुछ चीजों को चेंज करने के प्रावधान दिए, किस तरह से आप GSTR 3B की गलतियों को दूर कर सकते हैं। वो सर्कुलर में जारी किया गया ऐसे नियम, और कौन कौन से वो नियम, आज हम उन्हीं को लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ 4 से 5 केस ऐसे हैं जिसके अंतर्गत आपसे गलतियां हो सकती हैं GSTR 3B को फाइल करने में। तो सबसे पहला केस दोस्तों, मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूं तो वो ये कि अगर ऐसे लोग जिन्होंने GSTR 3B में आउटपुट सप्लाई की इंफॉर्मेशन गलत कर दी है, गलती से उनसे आउटपुट सप्लाई की इंफॉर्मेशन गलत फिल हो गई है किसी भी रीजन से, जी हाँ, यानी कि उन्होंने अपने आउटपुट, अपनी सेल की जो टर्नओवर है, सेल की जो इंफॉर्मेशन है, वो अगर गलत दी है किसी भी रीजन के कारण, उससे गलती हो गई है, तो फिर वो लोग अपने GSTR 1 के अंदर यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, GSTR 1 के अंदर करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे GSTR 1 के अंदर करेक्शन करने से पहले उनको वो चीज पहले क्लियर करनी होगी जो भी उनसे गलती हुई है GSTR 3B में, तो उसको वो यहाँ GSTR 1 के अंदर करेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे केस, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन रॉन्गली फिल कर दी है किसी भी रीजन से, जी हाँ, यानी कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से उनसे जो है इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन गलत चली गई है GSTR 3B फाइल करते समय, तो वो लोग जो है GSTR 2 के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, GSTR 2 के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात वो है कि वो लोग, ऐसे व्यक्ति GSTR 1 के अंदर कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकते, ये लोग केवल GSTR 2 के अंदर फाइल करते समय करेक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा केस सीधा सीधा इनपुट क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यदि किसी ने GSTR 3B फाइल करते समय इनपुट का क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, जी हाँ, एक्सेस क्रेडिट का यूज किया है, तो उस केस में आपको GST पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यदि आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं और आपने इनपुट क्रेडिट एक्सेस कर लिया है, ज्यादा उसका यूटिलाइज कर लिया है, जितना इनपुट क्रेडिट था आपने उससे ज्यादा उसका यूज कर लिया है, तो फिर उस केस में आपको यहां पे GST पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ, और आप करेक्शंस कर सकते हैं अपने GSTR 2 के अंदर। जी हाँ, यानी फाइल करते समय, GSTR 2 को फाइल करते समय आप उसके अंदर उन गलतियों का करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे GST पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, जितना भी आपने ज्यादा इनपुट क्रेडिट जितना भी यूज किया है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, यदि आपने इनपुट क्रेडिट कम यूज किया है, जी हाँ, मैं इसी सेकंड केस की थर्ड केस की बात कर रहा हूं कि यदि आपने इनपुट क्रेडिट कम यूज किया है GSTR 3B, यानी कि कम दिखाया है लेकिन आपका इनपुट क्रेडिट ज्यादा बनता था, तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको इनपुट क्रेडिट आपने कम इस्तेमाल किया है लेकिन आपका जो है इनपुट क्रेडिट ज्यादा बनता है, तो उस केस में वो कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, सरकार का GST काउंसिल का कुछ ऐसा ही रूल है कि यदि आप ज्यादा इनपुट क्रेडिट का यूज कर लेते हैं तो फिर उस केस में आपको GST के साथ
जीएसटी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यदि आपने कम इनपुट क्रेडिट यूज किया और आपका ज्यादा इनपुट क्रेडिट बनता है तो उस केस में आपका इनपुट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा सरकार का रूल है, तो इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। और दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे चौथे केस की, तो जो चौथा केस है वो हमारा सीधा सीधा पेमेंट से रिलेटेड है। जी हाँ, अगर आपने GSTR 3B के अंदर पेमेंट शॉर्ट की है, जी हाँ, यानी कि जो टैक्स की लायबिलिटी आ रही थी आपने उससे कम पेमेंट की है, या आपने कुछ ऐसे बिल जो उसमें शामिल करने थे नहीं किए, और या आपने बिल शामिल किए उसका टैक्स अमाउंट आपने उसमें कम रखा है, यानी कि आपने टैक्स कम पे किया है, तो इन शॉर्ट टैक्स केसेस में यदि आपने कम टैक्स जमा किया है तो उस केस में आपको नेक्स्ट मंथ का जब भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो उस दौरान आपको जो बचा हुआ टैक्स लायबिलिटी है वो पे करना पड़ेगा GST विद इंटरेस्ट के साथ। जी हाँ, विद इंटरेस्ट के साथ। और वहां पे आप अपने फाइल में करेक्शन भी कर सकते हैं GSTR 2 के अंदर। जी हाँ, GSTR 2 के अंदर आप यहाँ करेक्शंस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आपने ज्यादा पे कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी अमाउंट ज्यादा पे हुआ है वो वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा के केस में तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अपने टैक्स को कोशिश करें एक बार GSTR 3B फाइल करने से पहले अच्छे से पहले अपने टैक्स कैलकुलेशंस करें, अपनी सेल बिलों को पूरी तरह से चेक करें, उसके बाद ही GSTR 3B फाइल करें। यानी कि अपनी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन पूरी अपडेट रखें, ताकि कोशिश यही रहे कि GSTR 3B फाइल करते समय किसी तरह की मिस्टेक ना हो। लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी कारण से गलत टैक्स जमा कर देते हैं, यानी कि कम टैक्स अगर जमा करते हैं, तो फिर आपको वो टैक्स नेक्स्ट GSTR 3B जब आप फाइल करेंगे अगले महीने की, तो वहां पे आपको वो टैक्स जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यदि आपने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है तो उस केस में आपको वो टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। जी हाँ, अब हम बात करते हैं पांचवें केस की। तो दोस्तों, GSTR 3B में पांचवा केस क्या है, कौन सी गलती होती है, तो वो ये है कि जब भी आप GSTR 3B यदि फाइल कर रहे हैं और आप उसमें एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं टैक्स लायबिलिटी का। जी हाँ, यानी कि आप उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं, सेटअप करना भूल गए हैं अपने कैश लेजर या इनपुट क्रेडिट लेजर से, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलता है कि फिर आपको बाद में उसको पे करना पड़ेगा GST को विद इंटरेस्ट के साथ। और वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं अपनी GSTR 1 के अंदर। जी हाँ, यानी कि GSTR 1 के अंदर आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि अगर आपने सेटअप नहीं किया है, यानी कि आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट नहीं किया है GSTR 3B के अंदर अपने क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के साथ, तो उस केस में जो आपका जो टैक्स है वो आपको बाद में पे करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। जब भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, यहाँ पे मैं बार बार मैंने पांचों केस में इंटरेस्ट की बात कही, पेनल्टी या लेट फीस की नहीं की, क्योंकि GSTR 3B फाइल करते समय किसी भी तरह की GST काउंसिल की तरफ से ना कोई लेट फीस है ना पेनल्टी, ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस इंटरेस्ट से भी आप कैसे बच सकते हैं। तो ऐसे पांच केस मैंने आपको बताए जहां पे ज्यादातर लोगों का हमारे पास जो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आए कि सर हमसे यहाँ पे गलतियां हुई हैं, तो ऐसे चार से पांच केस ऐसे हैं जहां पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं, या तो अपनी आउटपुट सप्लाई की इंफॉर्मेशन की डिटेल गलत डाल देते हैं GSTR 3B रिटर्न फाइल करते समय, या वो अपनी इनवर्ड सप्लाई इंफॉर्मेशन की डिटेल फिल करते समय गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, या तीसरा केस वो ज्यादा ITC का क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, या वो कम ITC का क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करते हैं। दोस्तों, ITC यदि आप ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं तो उस केस में आपको GST पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। यदि आप ITC का कम यूज करते हैं तो उस केस में बचा हुआ ITC आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन
चौथा केस जैसे मैंने बताया कि GSTR 3B में यदि आप टैक्स कम जमा करते हैं या रॉन्गली आपसे कोई बिल छूट जाता है जिसका टैक्स आपने उसमें शामिल नहीं किया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ की जब भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो आप अपना बैलेंस जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है आप उसको विद इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे, और यदि आपने ज़्यादा वहाँ पे टैक्स पे कर दिया है तो उस केस में जो भी ज़्यादा अमाउंट्स है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट्स में कैश लेजर में वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ के आप निश्चिंत रहें, कोशिश करें कि GSTR 3B फाइल करते समय बहुत सावधानी बरतें, अपनी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई इन्फॉर्मेशन करेक्ट रखें उसके अंदर, और तीसरी चीज़ पेमेंट करते समय टैक्स का कैलकुलेशन एक बार एक्सेल शीट पे या एक रफ शीट पे आप पहले जरूर कर लें ताकि टैक्स कैलकुलेशन में कोई मिसमैचिंग ना हो पाए। दोस्तों यदि रिटर्न्स आपकी सही जाएगी तो फिर आने वाले समय में GST काउंसिल से तैयारी कर रही है कि वो GST की रिटर्न का जो भी फाइनल रिटर्न्स होगी उसको मैच करेगी वो इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ, जिसके आधार में ही आपके ऊपर फिर आगे चल के हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मिसमैच होने के कारण कार्रवाई हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है आप अपनी यहाँ पे GSTR जो है सही फाइल करें, और इनकम टैक्स रिटर्न में के अंदर भी जो आपने अपनी आय की इन्फॉर्मेशन दी है और जो आपने यहाँ पे अपने GSTR में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाए, इसके लिए सही से इन्फॉर्मेशन दोनों जगह फिल करें। और दोस्तों ये गलतियाँ वो थी GSTR 3B फाइल करते समय जो ज़्यादातर लोगों को आ रही थी, और मुझे आशा है कि अब शायद इस वीडियो के बाद उन लोगों को इस गलतियों का सामना ना करना पड़े, और करना पड़ा तो वो इस वीडियो को देखकर शायद उन्हें कोई दिक्कत ना आए। पांचवा केस दोस्तों जरूर याद रखिएगा, अगर टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करते समय आप भूल गए हैं क्रेडिट या कैश लेजर से उसको एडजस्ट करना, तो उस केस में आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है, बस अगले महीने की जब भी आप GST आप 3B आप फाइल करने जा रहे हैं तो फिर आपको वहां पे वो टैक्स जमा करना है लेकिन इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों यहां पे इंटरेस्ट है, लेट फीस पेनल्टी नहीं है। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि लेट फीस पेनल्टी नहीं लगाई गई है GSTR 3B रिटर्न्स में, लेकिन इंटरेस्ट जरूर चार्ज किया जाएगा, तो कोशिश करें कि सही इन्फॉर्मेशन करें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।